खबरों के दम पर आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। ONGC ये अपने नतीजों पर रिएक्ट करेगा, एक चार्ट पर जरूर इसके राय ले लेते हैं कैसा एक्शन इसमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। कुणाल जी, ONGC जरा चार्ट पर देखेंगे, सैटरडे को तो खैर आधा परसेंट ही ऊपर बंद हुआ है, बट 280 के आसपास कैसा लगता है काउंटर आपको? देखिए दीपांशु, चार्ट पर देखें तो स्टॉक में हम पिछले कुछ महीनों में कंसोलिडेशन होते हुए देख रहे हैं और कंसोलिडेशन का जो अपर एंड है वो लेवल्स जो है वो 285 290 हैं, तो मुझे लगता है कि और थोड़ी तेजी बनेगी तो उन स्तरों पर कुछ बिकवाली का दबाव झेलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो मुझे लगता है वेट एंड वॉच की रणनीति बेहतर रहेगी। नीचे के लेवल्स पर जरूर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, फिलहाल थोड़ा वेट करें, 290 की अड़चन निकल जाए उसके बाद स्टॉक में खरीदारी की राय देंगे, तो मेरी फिलहाल इंतजार करने की राय रहेगी, बट ONGC पर रहेगी नजर क्योंकि ये आज अपने नतीजों पर रिएक्ट करने वाला है।